न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर के चारघड़िया जो मोड़ है, जो बिबरी से शाहपुर का जो रोड है उसके बीच में एक जगह है चारघड़िया, और वहाँ पे सुबह सुबह एक दुर्घटना घट गई है जिसको लेकर यहाँ पे लोगों का जमावड़ा हो चुका है। एक कार अपनी नियंत्रण खोकर जो है रोड के किनारे पे जाते हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये वो गाड़ी है जिस ये जो गाड़ी है इसी गाड़ी से जो है एक्सीडेंट होने की बात कही जा रही है। अपनी नियंत्रण खो जाती है, खोने के लगा हुआ है, और ये गाड़ी का दूसरा हिस्सा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये गाड़ी नियंत्रण खोकर जो है तो आप इस वक्त देख सकते हैं ये गाड़ी है, और गाड़ी का जो आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से एकदम बिल्कुल बिखर चुका है। एक कोना गाड़ी का जो जिस तरीके से गाड़ी नियंत्रण खोकर जो है रास्ते से हट जाती है, और कम से कम जो बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के जानकारी के मुताबिक दो लोगों को जो है ये गाड़ी घायल कर देती है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी बंगाल नंबर की गाड़ी है, लेकिन उसके साथ जो है पुलिस का जो है बोर्ड लगा हुआ है। ये एक ऐसा माना जा रहा है कि एक पुलिस कर्मी की गाड़ी हो सकती है जो सुबह सुबह जो है ये जो दुकान है, दुकान का जो सामान है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये दुकान से आके टकराती है और ये इनका जो पूरा सामान जो है, और यहाँ पे जो है एक बांस का जो गेट बना हुआ है जो यहाँ पे एक प्रोग्राम होने वाला था उसको भी टकराते हुए बिल्कुल टकरा कर जो है दो लोगों जो है इसमें घायल हो जाते हैं। अस्थाई जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या हुआ है आज सुबह सुबह यहाँ पे बताइए सर। आज सुबह सुबह यहाँ पर मैंने वो गाड़ी उधर से आ रहा था, ये लोग यहाँ पर खड़ा था, यानी ब्रिज के साइड से आ रहा था, ये लोग यहाँ खड़ा था। आप इधर बात इधर से आ रहा था, हाँ जी जी। उसके बाद आगे ये पिलर में टकरा गया, ये जो बांस का पिलर है, बांस का पिलर है, जलसा का पिलर था, उसमें टकराया, नमक का बस्ता था, लोगों को ठुका है। तो एक बिहार का था बेचारा, वो फकीर आदमी था, मांग के खाता था, वो बेचारा मैंने बहुत सीरियस है, वो मैंने इस गाड़ी के चपेट में वो आ गया, आ गया है, और पूरा फेस उसका मना बिगड़ा हुआ एक्सीडेंट के कारण, एक्सीडेंट के कारण। हमारे गांव का अलाउद्दीन नाम से है, उसका वो कमर जो है वो खड़ा नहीं हो पा रहा, चारघड़िया का, चारघड़िया का। अच्छा, वो भी मोटामोटी कमर के लिए। ये दोनों लोगों के क्या उम्र एज होगा? ये जो हमारा गाँव का से है वो तो लगभग 30 साल का उम्र का है, और जो बिहार का है उसको तो मैंने वही 30 साल बुढ़ा आदमी है, बुढ़ा आदमी है। तो ये घटना जो है कितने बजे की है? ये 6:30 बजे की घटना, 6:30 बजे की घटना, 6 बजे से पहले ये वही गाड़ी है जो खड़ी है, ये वही गाड़ी है, नंबर भी है। तो अभी पेशेंट का क्या है, कहाँ लेके गया है? अभी सुने की वही पुलिस वाला जो है वही लोग लेके गया है किशनगंज, जो लोग एक्सीडेंट किया वही लोग लेके क्या वो लोग लेके गया है किशनगंज लेके गया है। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, जो लोग पीजेंट था, वो लोग कह रहे थे उनसे मुंह में भूत आ रहा था, वो ड्रिंक किया हुआ था, पूरा नशे में था, सुबह सुबह आ रहा था गाड़ी लेके, वो गाड़ी उसका बैलेंस दूर से ही खराब हुआ, तो ये दिख ही रहा है काफी दूर से बैलेंस कर, दूर से खराब। कोशिश करेंगे ये दुकान का जो सामान है किस तरीके से गाड़ी के टकराने से, एक तरह से कहा जाए कि ये गाड़ी जो दुकान में टकराती है उसके बाद जो देखिए, एक अहम मामला ये यहाँ पे है कि एकदम बिल्कुल करीब आप देख सकते हैं, अगर यहाँ लोग खड़े होंगे तो इसके जो कांच है किस तरह से टूटे। तो इस वक्त जो है जो पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो यहाँ पहुँची हुई है और पूरे मामले की जो है जानकारी इकट्ठा कर रही है, और ये जो दर्शक है वो जो है अपने नियंत्रण खोकर सड़क से उतर जाती है और उससे कई लोग घायल हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक अहम मामला है। इस पूरे घटना को लेकर जो भी अपडेट आप हमारे पास आएगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के और भी हम स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो जानकारी मिली है,
जिस तरीके से जो जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर अगर कहा जाए तो यहाँ पे जो दो व्यक्ति जो घायल हुए हैं वो एक बहुत ही गरीब जो है मांग वगैरह करके वो अपना पालन पोषण करते थे, और वो व्यक्ति कहाँ का है सही किसी को ठिकाना नहीं है, लेकिन एक जो व्यक्ति है वो चरघरिया का है और उसको जो है दोनों को इलाज के लिए जो अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे